वायरस चुड़ैल। एक गांव से आगे एक जंगल था जिससे पहाड़ों का रास्ता निकलता था। वहां दूर जाकर एक कुटिया में एक चुड़ैल रहा करती थी जो कई सालों से वहां पर तपस्या कर रही थी और अपनी चुड़ैल देवी को याद कर रही थी। उसका इतना प्रकोप था कि कोई भी चुड़ैल उससे कुछ भी मांगती तो उसे अपनी तपस्या का फल जरूर मिलता। वो चुड़ैल भी अपनी आँखों से पानी की जगह खून बहाती जा रही थी। उसकी ये तपस्या देखकर डायन चुड़ैल प्रकट होती हैं। क्या चाहती हो तुम मेरी बच्ची? इतना कष्ट खुद को मत दो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे इस मानव जाति पर अपना प्रकोप डालना है, अब मुझे कुछ भयानक करना है। तुम्हें मैं एक वायरस देती हूँ जिसके प्रकोप से तुम अपने हिसाब से जो चाहो वो करना और अपनी इच्छाएं पूरी करना। इतना कहकर डायन वहाँ से चली गई। चुड़ैल खुशी खुशी जोर जोर से हंसने लगी, साथ ही वायरस को भी प्रकट कर लिया। मेरा प्रिय वायरस, जा इस पूरी दुनिया को तबाह कर दे। चुड़ैल उन जगहों पर जाती जहां मांस बेचने की दुकानें थीं। अब जिन लोगों ने भी वहां से मांस लिया था और खाया था, अब उनके अंदर एक भयानक वायरस प्रवेश कर चुका था। और उसके बाद जिन जिन लोगों ने एक दूसरे से संपर्क किया, उनके मुंह और छूने से वायरस जाने लगा। जहां भी कोई बीमार मनुष्य होता, उसी बीमारी से दूसरों को भी ये बीमारी लग जाती। कितने ही लोग मरने लगे और चुड़ैल की मर्जी के मुताबिक वायरस सिर्फ गांव या शहर ही नहीं बल्कि देश विदेश में फैलता चला गया। ये इंसान बहुत दुष्ट है, इन्हें तो मजा चखा कर मुझे मजा आ गया। सभी राज्य के लोग और राजा एक सभा बुलानी पड़ी और सभी ने स्वच्छता पर पूरा काम किया। घर घर तक जानकारी पहुंचाई गई कि हर कोई हाथ मुंह अच्छी तरह धोए। सभी लोगों ने दिए हुए निर्देशों का पालन किया। कुछ महीनों तक लोग घर से बाहर तक नहीं निकले और धीरे धीरे चुड़ैल का प्रकोप कम होने लगा। यही बात मैं इन्हें समझाना चाहती थी, अब ये समझ चुके हैं, साफ सुथरे रहते हैं, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मकड़ी चुड़ैल। एक गांव था सीलापुर, जहाँ एक परिवार में लोहा नाम का लड़का, उसके अलावा उसकी बहन और बूढ़ी माँ बाप रहते थे। उसका पूरा परिवार साथ रहता था, लेकिन वो बहुत अजीब किस्म का लड़का था। वो सारा दिन अपने कमरे में रहता और मकड़ियों की तस्वीरें बनाता रहता, कभी कागज पर कभी दीवारों पर। उसे मकड़ियों से बहुत लगाव था। भले ही उसकी उम्र केवल 18 वर्ष की थी, लेकिन वो अपने परिवार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था। उसके बाबा ने उसे बहुत बार समझाया। अरे बेटा, तुम भी अब बड़े हो गए हो, कोई काम क्यों नहीं करते? कुछ और नहीं करना है तो खेतों में जाकर अपने भाइयों के साथ ही काम कर लो। ठीक है पिताजी। अगले दिन वो खेत में गया और जैसे ही वो पेड़ के नीचे आराम करने बैठा तो उसे एक मकड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही वो पेड़ के ऊपर मकड़ी के पीछे भागा। उसके पिताजी उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए थे। वो पास के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहते हैं। पंडित जी प्रणाम, मेरे बेटे को देखिए क्या हो गया है, इसका किसी काम में मन ही नहीं लगता। आप इसे मंदिर में ही कोई काम दे दीजिए, यहीं पड़ा रहा करेगा आपकी सेवा में। हाँ ठीक है, हम इसे रात को मंदिर की चौकीदारी का काम दे देते हैं। लोहा उस दिन रात को पहरा दे रहा था जब उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही उसे जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी। लोहा आओ, तुम्हें मेरे पास आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लोहा डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वो बहुत देर तक आवाजें सुनता रहा। फिर उसने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गया। उसने एक विशाल मकड़ी और उसकी आवाज को सुना। आओ लोहा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारा
तुम्हारे पिछले जन्म की पत्नी हूँ, याद करो याद करो, मेरे चित्र बनाते रहते हो तुम। जैसे तैसे रात गुजरी। अगले दिन सुबह लोहा ने सारी बात अपने पिताजी को बताई। उसके पिता को विश्वास नहीं हुआ। तभी एक छिपकली आई और उसे देखकर लोहा को असली मकड़ी की तरह दीवार के ऊपर चढ़ता गया और धीरे धीरे लोहे का शरीर पूरा मकड़ी जैसा बन गया, जिसे देखकर उसके पिताजी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। तभी वो मकड़ी आई और उससे बोली, आ गई हूँ मैं। ये देखकर पंडित जी और लोहा के पिता डर गए। उन्होंने देवी माँ से प्रार्थना की। तब देवी माँ ने बाबा की प्रार्थना सुनी और लोहा को वापस वैसा ही बना दिया जैसे वो पहले था, और मकड़ी की आत्मा को भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। चीता चुड़ैल। एक गांव में लगातार लोगों को रात में कोई जानवर उठा कर ले जाया करता था, मगर कभी किसी ने किसी जानवर को गांव में आते हुए नहीं देखा था। एक सुंदर सी लड़की अक्सर गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आती थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देख गांव के नौजवान उसे पाने के सपने देखते थे। एक दिन सूरज ने हिम्मत कर उस लड़की का पीछा किया। वो लड़की गांव से छोटे बच्चों को पढ़ाने के बाद जंगल के रास्ते से अपने घर जा रही थी। रुको, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या शादी? तुम कौन हो? मेरा नाम सूरज है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं चुड़ैल हूँ। अचानक वो लड़की चुड़ैल की तरह हंसने लगती है और उसका शरीर धीरे धीरे एक जानवर चीते जैसा बन जाता है, और अचानक वो अपने नुकीले नाखूनों से सूरज पर हमला करती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ बचाओ। सूरज किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने घर आता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। उसने अपनी आंखों से खूबसूरत लड़की को पहले चुड़ैल और फिर चीता बनते हुए देखा था। अगले ही दिन वो लड़की सूरज के घर आ जाती है। कैसे हो तुम? मैं तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सूरज उसके सामने एक शब्द भी नहीं कह पाया। चुड़ैल ने उसे डराया धमकाया और उसे शादी कर ली। अब हर रात वो गांव में निकलती, पहले अपना रूप बदलती और फिर लोगों का शिकार करती। एक दिन रात में सूरज ने देखा। अच्छा, तो ये है जो गांव के लोगों को खाती है? मैं कैसे इसके जाल में फंस गया? मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया इससे शादी करके। मुझे मुखिया से बात करनी होगी। सूरज किसी तरह हिम्मत जुटाकर सारी सच्चाई गांव के मुखिया को बताता है। मुखिया को सूरज की बात पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो रात को छुपकर उसका पीछा करता है। इसका मतलब सूरज सही कह रहा था। सूरज और मुखिया मिलकर एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक समझ जाता है कि ये कोई सुंदर लड़की नहीं, ये एक चीता चुड़ैल है। वो उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेता है। पूजा पाठ और तंत्र की मदद से तांत्रिक उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? छोड़ दो छोड़ो। सारे गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि ये वही औरत थी जो कल तक बहुत सुंदर लड़की थी और फिर सूरज की दुल्हन बनी, और अब ये और कोई नहीं, ये चीता चुड़ैल थी जो लोगों को मार कर खा जाया करती थी। तांत्रिक की मदद से पूरे गांव को उस चुड़ैल से छुटकारा मिला और सूरज की जिंदगी बच गई। नागिन चुड़ैल और बाज चुड़ैल। एक बार की बात है, नागिन राज की महारानी और बाज राज की महारानी की मौत हो गई और दोनों ही महारानियां अपने देशों से गिरकर धरती पर आ गिरी। वो धरती पर चुड़ैलें बनकर घूमने लगी। नागिन चुड़ैल पहले आ गिरी थी, जिसकी वजह से उसने अपने रहने के लिए एक पीपल का पेड़ चुन लिया, और कुछ ही देर बाद बाज चुड़ैल भी गिर गई, तो उसने भी अपने लिए वही पीपल का पेड़ ही चुना। जब बाज चुड़ैल वहाँ गिरी तो उसे नहीं पता था कि वहाँ एक और चुड़ैल पहले से रहती है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? चली जाओ यहाँ से, ये मेरा पेड़ है समझी।
मैं क्यों जाऊं? ये मेरा पेड़ है, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं कहीं जाने वाली नहीं। ऐसा करते करते दोनों की आपस में खूब बहस शुरू हो गई और दोनों बहस करते करते उसी पेड़ पर सो गई। अगले दिन एक व्यापारी आकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। उसने अपना घोड़ा पास में खड़ा किया। जैसे ही दोनों चुड़ैलों ने उसे देखा तो दोनों अपना शिकार बनाने उसे नीचे आ पहुंची। मौका देखते ही बाज चुड़ैल उस आदमी के अंदर घुस गई और देखते ही देखते नागिन चुड़ैल भी गुस्से में आकर उसके घोड़े में घुस गई। अब क्या था, घोड़े के रूप में नागिन चुड़ैल अब गांव की तरफ भागी और उसके पीछे ही आदमी के रूप में नागिन चुड़ैल भी भागी। उन्हें देखकर गांव के सभी लोग डर गए। इतने में गांव के मुखिया जी वहां आ गए और वो उन दोनों को रोकने ही वाले थे कि नागिन चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और उसे देखकर बाज चुड़ैल भी अपने असली रूप में आ गई। बाज चुड़ैल मुखिया जी को अपने पंजों में जकड़कर पीपल के पेड़ पर ले गई। अरे अरे छोड़ो मुझे चुड़ैल, कहां लेके जा रही हो? और वहीं उनके पीछे पीछे नागिन चुड़ैल भी आ गई। तुम अपने आप को समझती क्या हो? ऐसा जहर फेंकूंगी तुम पर कि भस्म हो जाओगी। तुम क्या समझती हो, तुम्हें मैं छोड़ दूंगी? अपने नाखूनों से चीर कर रख दूंगी। हाँ। बाज चुड़ैल ने अपने नुकीले पंजे नागिन की आंख में मार दिए। नागिन चुड़ैल ने अपने जहरीली जुबान से दांतों से उसे काट डाला। दोनों में काफी घंटों तक लड़ाई चलती रही और वो दोनों बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर पड़ी। उतने में ही मौका पाते ही मुखिया जी वहाँ से गांव की ओर भागे। अरे चलो मेरे साथ, वो दोनों वहाँ जख्मी पड़ी होंगी, उन्हें चलकर आग लगा देते हैं। लेकिन जब वो गांव वालों के साथ वापस आए तो उन सब ने मिलकर उन दोनों को वहीं आग लगा दी और उन्हें मुक्ति दे दी। और उसके बाद फिर कभी भी उस गांव में किसी चुड़ैल का साया नहीं पड़ा।